सुप्रभात बच्चों, आज संस्कृत में हम लोग पढ़ेंगे सप्तमा पाठ, पाठ सात। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? गीता गंगोदकम, गीता रूपी गंगा जल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या दिया हुआ है बच्चों चैप्टर के बारे में? श्री कृष्ण जी के द्वारा स्वयं उनके श्रीमुख से निकली गीता एक अनुपम ग्रंथ है, जिसकी और कोई उपमा नहीं है। उसे क्या बोलते हैं? अनुपम। जिसका प्रत्येक शब्द पीयूष है बच्चों। क्या है? गीता के प्रत्येक शब्द, श्लोक, अक्षर क्या है? पीयूष। पीयूष मीन्स होता है अमृत के समान है, अमृत है, पीयूष है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए छात्रों के अध्ययनार्थ अध्ययन के लिए गीता के इन श्लोकों का संकलन किया गया है, ताकि इसको पढ़ करके बच्चों को अपने कर्म के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति उत्साहवर्धन हो और वे अपने कर्तव्य को करने के लिए सजग हो। ठीक है, तो चलिए क्या दिया हुआ है पढ़ते हैं। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्य गामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थं चिंतयन। क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण? कहते हैं कि हे पार्थ, अभ्यास योग युक्तेन, अभ्यास और योग से युक्त मन, चेतसा, चेतसा मीन्स होता है मन, अभ्यास और योग से युक्त हुए मन, नान्यागामिना ना अन्यगामिना, अर्थात किसी दूसरे तरफ ना जाते हुए, अन्य किसी दूसरे साइड ना जाते हुए, क्या करें, नान्यागामिना, दूसरे ओर ना जाते हुए मन एकाग्रचित होकर के, अभ्यास और योग से युक्त हुए मन परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थं चिंतयन। एक ही निश्चित अनुचिंतन, निरंतर मेरा ही ध्यान में लगे हुए, निरंतर ईश्वर का चिंतन करते हुए उस यदि परम पुरुष, परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थं चिंतयन, याति उस प्राप्त कर लेता है। अब हे पार्थ, उस परम पिता परमेश्वर जिन्होंने हम लोगों को, हमें इस धरती पर जन्म दिए हैं, और उन सभी जीवों का जो परमात्मा है, हम आत्मा है और वो जो ईश्वर है वो परम पिता परमेश्वर है, परमात्मा है। तो हे पार्थ, अभ्यास उसको प्राप्त करने के लिए, उसको कौन प्राप्त करता है? परम पिता परमेश्वर को। ये दिया हुआ है अभ्यास योग से युक्त, अभ्यास और योग से युक्त मन, इधर उधर मन ना जा करके, ध्यान को केंद्रित करके परम पुरुष, उस परम पुरुष, उस ईश्वर का ध्यान में लगा हुआ व्यक्ति, निरंतर चिंतन करता हुआ व्यक्ति उस परम पुरुष दिव्य परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। कौन? जो अभ्यास और योग से युक्त मन वाला व्यक्ति होता है, वो निरंतर चिंतन करता हुआ अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, अपने परम आराध्य, अपने परम पिता परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। तो चलिए ठीक है, समझ में आया पहला। नेक्स्ट ये श्लोक को पढ़ते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्यो रसवस्नामि प्रेतात्मनः। क्या कहा ये? पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तोयम मीन्स होता है जल। हे पार्थ, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो कोई यो मे भक्त्या प्रयच्छति, प्रयच्छ मीन्स होता है देना, अर्पण करना। तो जो कोई भी भक्त मुझे पत्र, पुष्प, फल, जल, जो कोई भी प्रेम से अर्पण करता है, योमे भक्त्या प्रयच्छति, भक्ति भाव, भक्त्या भक्ति भाव से प्रसन्न जो है, प्रसिद्धति, प्रयच्छति भक्ति भाव से अर्पण करता है, तदहम उसे मैं, तदहम उसे मैं भक्त्यु प्रहतमश्नामि, भक्ति प्रहतमश्नामि प्रेतात्मनः, उस व्यक्ति के द्वारा उस अर्पण किया हुआ पत्र, पुष्प, फल, जल को मैं सगुण रूप से, प्रेतात्मना सगुण रूप में प्रकट होकर के प्रीति पूर्वक उस निष्काम भाव से अर्पित किया हुआ पत्र, पुष्प, फल आदि को मैं सगुण रूप में प्रकट होकर के क्या करता हूं? प्रहत भक्ति प्रहत अस्नामी, बस अस्नामी, यहां पर संधि विच्छेद करेंगे तो अस्नामी, भक्ति प्रहतमश्नामी, अस्नामी, तो क्या हो जाएगा? मैं उसे, उस भक्त का अर्पण किया हुआ
पत्र पुष्प फल जल आदि को सगुण रूप में प्रकट होकर के उसे स्वीकार करता हूं, उसे क्या करता हूं, स्वीकार करता हूं। तो बच्चों हमें इस श्लोक से ये समझना चाहिए कि जो ईश्वर होते हैं, भगवान होते हैं, वे भाव के भूखे होते हैं, उन्हें केवल भाव चाहिए, है ना। क्या भाव मीन्स क्या होता है, हमारी भावना कैसी है, ये मूल मेन मायने रखता है। आपके पास कुछ नहीं है अर्पण करने के लिए, कोई बात नहीं, लेकिन यदि आपने भाव से उसको अर्पण कर दिए, जो कोई भी पत्र पुष्प फल जल जो कोई भी सामग्री है, तो उसे वो सगुण रूप में प्रकट होकर उसे स्वीकार कर लेते हैं ईश्वर। तो इस प्रकार से भक्त के भाव को जो है भगवान देखते हैं। तो इस प्रकार से हमें क्या होना चाहिए, अपने कर्तव्य मार्ग में बहुत ही सजग होना चाहिए और ईश्वर के नाम लेकर के अपने इष्ट देव का ध्यान करके कोई भी काम स्टार्ट करना चाहिए। यदि हम जाके रही भावना जैसी, है ना, एक ऐसा कहा जाता है कि जिसकी जैसी भावना होती है उसे वैसे ही रिजल्ट और उसे वैसे ही जो है अपने जीवन में फल की प्राप्ति होती है। कहने का तात्पर्य यह है, हमें हमेशा अच्छी भावना से को लेकर चलना चाहिए, अपने अच्छे भाव को बना करके रखना चाहिए। जिसका जैसा भाव होता है वह उसके साथ वैसे ही घटित होता है। इसका तात्पर्य यह बच्चों, यदि हम साइंस की दृष्टि से भी देखें तो हमेशा क्या हो, सकार पॉजिटिव हमेशा किससे होना चाहिए, हमारा जो सोच है वो पॉजिटिव होना चाहिए, सकारात्मक विचारधारा होना चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं और उनके जो विचार है सकारात्मक होते हैं, इसलिए उनको रिजल्ट भी सकारात्मक प्राप्त होते हैं। इसलिए भाव हमारा कैसा होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए। तो यदि उसी के अनुसार से भगवान हमें फल प्रदान करते हैं और हमारे कर्म के अनुसार से अभी हमें फल की प्राप्ति होती है। ओके बच्चों, तो ये दो श्लोक है, इसको आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, इसका अर्थ लर्न करिएगा, इस श्लोक को याद करना है। गीता का एक श्लोक है, दो श्लोक इसको याद करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को इसका अगले वाला जो श्लोक का ट्रांसलेशन अनुवाद बताऊंगा। इसमें किसी प्रकार से कुछ डाउट हो तो आप लोग मीटिंग में अवश्य कंसल्ट करिएगा। ओके बच्चों।